काजल राघवानी का आप लोगों ने वीडियो तो देखा ही होगा, जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू आज सबसे ज़्यादा बज ऑफ टाउन है, यानी कि उसकी बातें सबसे ज़्यादा हो रही हैं। आपको ये भी बता दें कि काजल राघवानी ने ये इंटरव्यू तो दे दिया लेकिन ट्रोलर्स का शिकार हो गई। जी हाँ, जमकर गालियाँ और जम के भद्दे कमेंट उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट पर झेलने पड़ रहे हैं। हद तो तब हो गई कि हर ट्रोलर उन्हें ये कह रहा है कि आप जो कुछ भी हो खेसारी लाल यादव के बदौलत हो। वैसे भी अपने इस इंटरव्यू में खेसारी पर ताबड़तोड़ काजल राघवानी ने कई बड़े इल्ज़ाम लगाए। काजल राघवानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या आप मेरी वजह से अपने बीवी बच्चों को छोड़ सकते हैं, जब जो काम आप नहीं कर सकते तो उसके लिए आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। साथ ही काजल राघवानी ने ये भी कहा कि खेसारी के डबल फेस हैं, वो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और बातें करते हैं। यहाँ पर काजल राघवानी ने ये भी कहा कि खेसारी मुझे गाली दिलवाते हैं और तो और मुझ पर एक गाना भी बनवा दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ यूट्यूबरों के लिए भी काजल राघवानी ने एक हिदायत दी है कि वो कुछ अलग ही न्यूज़ बनाकर पेश करते हैं। यहाँ पर काजल ने ये कहा कि उनके रिश्ते आजकल सभी से अच्छे हैं और उन्हें स्टार बनाने में सबसे बड़ा हाथ पवन सिंह का है, क्योंकि पवन सिंह के साथ फिल्में करने के बाद ही उन्होंने खेसारी के साथ फिल्में की थी और पवन के साथ फिल्में करने ते वक्त ही वो ऑलरेडी सुपरस्टार बन चुकी थी। साथ ही साथ यहाँ पर खेसारी पर और इल्ज़ाम लगाते हुए काजल राघवानी ने ये कहा कि मैं लाइव आकर रोती नहीं हूँ बात बात पर, लोगों को मैं कुछ कहती नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। खेसारी की बातों पर कई बार तंज कसते हुए काजल राघवानी ने ये कहा कि वो डबल फेस वाली नहीं है। आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, काजल की कि या फिर खेसारी लाल यादव के? क्या आप इस बात पर एग्री करते हैं कि काजल राघवानी को स्टार बनाने में पवन सिंह का हाथ है? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।